शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में सिविल लाइन स्थित एक निजी मैरिज हॉल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कैसरगंज के सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा जिले के सभी ब्लॉकों से करीब 40 स्कूल से 800 टॉप 10 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया तथा मुख्य अतिथि को बुके देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में कैसरगंज के सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम नेताजी था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके भी नाम नेताजी के रूप में लिए जाते हैं तो वह स्वर्गीय रविंद्र सिंह थे। स्वर्गीय रविंद्र सिंह छात्रों के नेता थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने ही स्वर्गीय रविंद्र सिंह को नेता बनाया था। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय रविंद्र सिंह की स्मृति में सभी ब्लॉकों के टॉप 10 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। उन्होंने बच्चों को कहा कि अपना लक्ष्य तय करो, गंभीर बनो, अपने आप से बात करो, अपनी समस्या का निदान कैसे करें, देश के जिम्मेदार नागरिक बनो। इस अवसर पर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जय प्रकाश पांडे, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्ना लाल यादव, राजेश सिंह, मनीष सिंह, सतीश सिंह, दिनेश सिंह, पवन सिंह, विनय सिंह, रामपाल सिंह, अभिषेक सिंह, राणा प्रताप सिंह, ईश्वर चंद्र जायसवाल, जय प्रकाश पासवान, ज्ञान बहादुर सिंह सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैसरगंज के सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, अब हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सहजनवा के पूर्व विधायक, कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रशासनिक अधिकारियों को अंकुश लगाने वाले लोकप्रिय एक छात्र नेता भी रहे हैं ब्रजभूषण सिंह जी। लेकिन मैं इनको बधाई दूंगा कि यूको में हलचल लाने के लिए, पदक जीतने के लिए इन्होंने नौजवानों को प्रोत्साहित करने का भी काम किया। उपस्थित हो रहे हैं जिस शख्सियत के स्मृति में हम ये सम्मान समारोह छात्रों का कर रहे हैं, जवाहरलाल इंटर कॉलेज के हैं, एसडीएफ एडीपी के हैं, ये सब चारों स्कूल के बच्चे जान लें आपका ब्लॉक पठान है, ठीक, इन शिक्षा के लिए बच्चा आप लोगों को भी मतलब ब्लॉक नहीं पता है, नवल सेकेंडरी, आमना मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज, ब्लाजल सीनियर सेकेंडरी, ये आप लोगों का ब्लॉक भी वही पता है, चरगावा बेलघाट के बच्चे, हाँ चलिए वाह, खजनी के बच्चे, वाह इतने लोग हैं, उनवर के बच्चे वाह बहुत अच्छा, और साजनवा के, वाह भाई साजनवा, और पाली के बहुत अच्छा, और पिपराइज के आए हैं लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। गोरखपुर जिले का दो चार ब्लॉक अगर छोड़ दिया जाए जिसका नाम आपने नहीं लिया, तो अधिकांश ब्लॉकों से और गोरखपुर महानगर से बड़ी संख्या में आए हुए बच्चों और इस कार्यक्रम के आयोजक उभरते हुए गोरखपुर का उभरता हुआ भविष्य है, जिस नौजवान के अंदर मैं बहुत क्षमता देखता हूँ, जिसके अंदर समाज में काम करने की एक आग देखता हूँ, उत्साह से लबरेज है जो, ऐसा मेरा प्रिय सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह जी और उनके समस्त साथी
उनके परिवार के सम्मानित सदस्य बंधुओं और मीडिया से पधारे ये सम्मानित पत्रकार बंधुओं। सुनता था ऐसा कार्यक्रम और इससे बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम, पूरे प्रदेश में जिसकी एक मिसाल स्थापित की जाती है। माननीय सांसद जी के सहयोग से गोंडा और आसपास के हजारों हजार छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय सांसद जी प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। इस मंच से मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनको आभार प्रकट करता हूं। तरुणाई को दिशा देना जीवन में सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हम भी जब आपके उम्र के थे तब हमने इनसे भी कुछ प्रेरणा ली है, और ज्यादा ना कुछ कहते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भैया, सारा काम यहाँ से करिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम नेताजी था, लेकिन मैंने अपने जीवन में पहली बार रविंद्र सिंह को नेताजी के रूप में पहली बार मेरे सामने आज जरा माइस्ट्रो, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके भी नाम नेताजी के रूप में लिए जाते हैं, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत में उत्तर प्रदेश में नेचुरल अगर किसी का नेताजी नाम पड़ा था तो वो थे स्वर्गीय रविंद्र सिंह। और ये छात्रों के नेता थे, बच्चों के नेता थे। किसने बनाया था इनको नेता? बच्चों ने, गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चों ने, लखनऊ विश्वविद्यालय के बच्चों ने, ये नेता उपाधि बच्चों ने। और आज पितृपक्ष का महीना है, एक तरीके से हम अपने जो पूर्वज हैं उनको हम याद करते हैं, और हम समझते हैं कि आज का यह स्वरूप निश्चित ही अगर नेताजी कहीं होंगे, देख रहे होंगे, तो अति प्रसन्न होंगे क्योंकि वो बच्चों के नेता थे। अभी हम भी आते हैं, थोड़ा बचा करना हमारे लिए। वैसे तो बहुत दिनों से मेरा ये कार्यक्रम चलता है, लेकिन आज पहली बार गोरखपुर के हर ब्लॉक वार और स्कूल वार कॉलेज वार जो टॉप 10 बच्चे थे उनको स्वर्गीय रविंद्र सिंह जी की स्मृति में सम्मानित किया गया है, और इसमें तमाम नेताजी के साथ के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, और विशेष करके आदित्य प्रताप के आगू के मेहनत से ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है, और बड़ा अच्छा लगा बच्चों से मिलकर के। क्या संदेश चाहिए? एक ही संदेश है, लक्ष्य तय करो, गंभीर बनो, अपने आप से बात करो, अपने समस्याओं से खुद बात करो, निदान कैसे होगा बात करो, देश के जिम्मेदार नागरिक बनो, परिवार के लिए जिम्मेदार बनो, एक ही बात है घूम करके।